करने वाली हूँ अपना इयरिंग कलेक्शन। गाइज आज जो मैं आपको इयरिंग दिखाने वाली हूँ उसमें से मोस्टली इयरिंग मैंने स्ट्रीट शॉप से खरीदे हैं और मोस्टली इयरिंग सिर्फ 30 रुपए की है। यस गाइज आज जो मैं आपको इयरिंग दिखाऊंगी वो बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही चीप है और बहुत ही ब्यूटीफुल भी है। गाइज जो मैं आपको इयरिंग दिखाने वाली हूँ वो सारे ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और आई होप वो इयरिंग्स आपको भी अच्छे लगेंगे। तो गाइज आज टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो देखने के बाद प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ अपने फर्स्ट इयरिंग। तो गाइस ये है मेरे पहले इयरिंग जिन्हें आप देख सकते हैं पूरे गोल्डन कलर के हैं एंड बीच में मिरर लगा हुआ है। यू कैन सी गाइस जब आप इन्हें पहनते हैं और पहनने के बाद जब आप चलते हैं तो इस तरीके से ये हिलते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। गाइस इन वाले इयरिंग्स को मैंने सिर्फ 30 रुपए में खरीदा था। एंड गाइस अगर आपके पास मिरर नहीं है और आपका लिपस्टिक खराब हो गया है तो आप इसमें देख के भी अपना लिपस्टिक ठीक कर सकते हैं। यू कैन सी तो गाइस इन वाले इयरिंग को मैंने खरीदा था आगरा से। जब मैं आगरा गई थी अपनी एनिवर्सरी पे, ताज महोत्सव था वहाँ पे, तो ताज महोत्सव से मैंने इन्हें खरीदा था तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे वहाँ पे। एंड गाइस ये बहुत ही लाइट वेट भी हैं। जो छोटे छोटे टॉप्स होते हैं इनका वेट सिर्फ उतना ही है तो गाइस पहनने में आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है। तो गाइस ये वाले इयरिंग बहुत ही लाइट वेट हैं एंड बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। आई होप आपको भी अच्छे लगे होंगे। एंड मैं आपको दिखाती हूँ अपने सेकेंड इयरिंग। ये है मेरा सेकेंड पीस, आप देख सकते हैं ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड गाइस ये सिल्वर कलर का है, इसमें पूरा छोटा छोटा वर्क हो रखा है आप देख सकते हैं एंड इसमें भी छोटा सा मिरर लगा हुआ है। गाइस इन इयरिंग की एक खास बात ये भी है कि आप इन्हें इंडियन एंड वेस्टर्न दोनों ही ड्रेसेस पे पहन सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। आप इमेजिन तो कर ही सकते हैं कि पहनने के बाद ये वाले इयरिंग बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और इन वाले इयरिंग को भी मैंने सिर्फ 30 रुपए में ही खरीदा है। गाइस हो सकता है कभी आपने नोटिस नहीं किया हो लेकिन अगर आप इन्हीं वाले इयरिंग्स को किसी बड़े शॉप से खरीदते हैं या फिर किसी मॉल से खरीदते हैं तो ये आपको 30 रुपए में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो गाइस इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कभी कभी आप स्ट्रीट शॉप से भी शॉपिंग कर लिया कीजिए, कभी कभी आपको वहाँ पे भी कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। एंड गाइस अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं नेक्स्ट इयरिंग। गाइस ये वाला पीस मोस्टली सभी के पास होगा, शायद ही कोई ऐसा होगा कि जिसके पास ऐसी इयरिंग ना हो क्योंकि ये वाले इयरिंग बहुत ही ट्रेंड में रहे हैं और हो सकता है आपके पास भी ऐसे इयरिंग हो क्योंकि बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इन्हें अगर किसी सूट पे वियर करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप देख सकते हैं ये वाले इयरिंग बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। मैंने कल जो वीडियो अपलोड किया है मैंने उसमें इन्हीं वाले इयरिंग्स को पहना है। गाइस आपने ऐसे इयरिंग तो कई लोगों के पास देखे होंगे लेकिन आपने ऐसे इयरिंग किसी के पास भी नहीं देखे होंगे क्योंकि मैंने इन्हें खुद DIY करके बनाया है। आप देख सकते हैं गाइस इन वाले इयरिंग्स में 3 लेयर्स होती हैं तो 3 लेयर्स बहुत यहाँ तक आ जाती थी, मुझे अच्छी नहीं लगती थी तो मैंने इसकी एक लेयर निकाल के और इस तरीके से एक छोटा सा इयरिंग लेने के बाद इसको इस तरीके से इसमें लगा रखा है जो कि पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। गाइस मैंने इन वाले इयरिंग को 50 रुपए में खरीदा था और उसमें से DIY करके एक ये वाला इयरिंग भी बना लिया है। तो 50 रुपए में मेरे पास 2 जोड़ी इयरिंग हो गए जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे बनाने के बाद एंड पहनने के बाद भी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट इयरिंग। यू कैन सी गाइस गाइज यहाँ पे मैं आपको जो भी इयरिंग दिखा रही हूँ वो सारे ही बहुत ही लाइट वेट हैं, बहुत ही अफोर्डेबल हैं और बहुत ही प्रीटी भी हैं। ये देखिए क्यूटी पाई से इयरिंग्स हैं मेरे पास जिनमें ये लीव्स लगे हुए हैं, पत्ते जैसा इसका शेप दिया हुआ है जो कि पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। एंड गाइज ये वाले इयरिंग भी मैंने सिर्फ 30 रुपए में ही खरीदे थे
आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं नेक्स्ट इयररिंग, तो थोड़े बड़े हैं, यू कैन सी गाइस। ये वाले इयररिंग भी मुझे बहुत ही पसंद हैं और ये वाले इयररिंग बहुत ही खास हैं, क्योंकि ये वाले इयररिंग मुझे मेरा भाई लेके आया था, उसने मुझे ये वाले इयररिंग मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किए थे, तो ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन बाद में मैंने उससे पूछ लिया कि तू कितने के लाया था, तो उसने बताया कि वो इन वाले इयररिंग को 40 के लाया था, तो ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे। एंड गाइस आप देख सकते हैं ये बहुत ही लाइट वेट हैं। एंड गाइस अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने नेक्स्ट इयररिंग, इस तरीके के हैं, यू कैन सी गाइस, इनका वर्क मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं ब्लैक कलर के हैं एंड गोल्डन कलर का तो प्रिंट जैसा दिया हुआ है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। एंड गाइस ये बहुत ही लाइट वेट भी हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं पहनने के बाद। मैं पिछले वीडियोस में इसे भी पहन चुकी हूँ, जो मैंने अपना ब्लाउज कलेक्शन वाला वीडियो आपके साथ शेयर किया था उसमें मैंने इन वाले इयररिंग्स को पहना था, तो ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे। एंड गाइस थैंक यू सो मच, आपने मेरे ब्लाउज कलेक्शन वाले वीडियो को इतना सारा प्यार दिया, थैंक्स अ लॉट। गाइस ये हैं मेरे ब्लैक इयररिंग्स, ये भी आप इंडियन एंड वेस्टर्न दोनों ही ड्रेसेस के साथ पहन सकते हैं। आप इन वाले इयररिंग को साड़ी पे पहन सकते हैं, सूट पे पहन सकते हैं, आप इन्हें इंडियन वेस्टर्न दोनों ही ड्रेसेस के साथ वेयर कर सकते हैं। तो गाइस ये भी मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और इनकी सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत ही लाइट वेट हैं एंड मुझे इनका ख़राब होने का भी कोई डर नहीं रहता है। मैं कभी कभी जल्दबाजी में सारे इयररिंग्स को एक साथ ही रख देती हूँ तो ये ख़राब भी नहीं होते हैं एंड गिरने के बाद ये टूटते भी नहीं है, ये इनकी सबसे अच्छी बात है। ये वाला पीस भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर का है एंड नीचे एक छोटू सा झुमका दिया हुआ है, वो भी बहुत अच्छा काम हो रहा है इस पे। यू कैन सी गाइस बहुत ही अच्छे लगते हैं ये वाले इयररिंग। लेकिन गाइस ये वाले इयररिंग मिट्टी के बने हुए हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है कुछ बोलते हैं इन वाले इयररिंग्स को, लेकिन मुझे याद नहीं है। गाइस ये वाले इयररिंग मैंने रांची से खरीदे थे, एक्चुअली मैंने नहीं खरीदे थे, मेरी सिस्टर ने मुझे ये वाले इयररिंग दिलाए थे, चूंकि 200 के हैं। यस गाइस थोड़े से कॉस्टली हैं ये, लेकिन अच्छे लगते हैं मुझे। मैंने उनको मना किया था कि उतने भी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ये वाले इयररिंग दिलाए थे रांची से। वहाँ पे एक शॉप था, वहाँ पे इस तरीके की ज्वेलरी बहुत सारी मिलती थी, तो मैंने वहाँ से इन इयररिंग्स को लिया था। गाइस ये वाले इयररिंग भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने इन्हें कहाँ से खरीदा था मुझे याद नहीं आ रहा है, आई थिंक मैंने इन्हें 50 रुपये में खरीदा था, और मैंने इन्हें खरीदा था शायद जब मैं बागड़ गई थी, वहाँ से मैंने इन्हें खरीदा था, क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं। गाइस मेरी ड्रेस है ब्लू कलर की, उसके लिए मैंने स्पेशली इन वाले इयररिंग्स को खरीदा था, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। यू कैन सी गाइस इस तरीके से आप इन्हें हैंग कर सकते हैं अपने कानों में एंड बहुत ही अच्छे लगते हैं मैचिंग की ड्रेस के साथ। ये वाले इयररिंग बहुत ही खिल के जाते हैं, तो ये वाले इयररिंग भी मुझे बहुत ही पसंद है। एंड इसी कलर के एक इयररिंग और भी हैं मेरे पास, जो कुछ इस तरीके के हैं, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, बहुत ही छोटूचे क्यूटूचे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कैमरा कैप्चर कर पा रहा होगा। एंड गाइस मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट इयररिंग, तो वो है कुछ इस तरीके के, यू कैन सी गाइस। आप बताइए ये वाले इयररिंग आपको क्या लगता है कि कितने के होंगे, मैंने इन्हें कितने में बाय किया होगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने कितने में इनको खरीदा है। ये वाले इयररिंग भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, साड़ी के साथ भी मैंने डाल ली, साड़ी के साथ भी मैं इसे डाल लेती हूँ एंड सूट पे भी ये इयररिंग बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। एंड इसमें पूरा जर्किन का काम हुआ है, नग लगे हुए हैं पूरे में, एक ही छोटू सा
इमोजी भी लगा हुआ है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। यू कैन सी गाइस, वाओ बहुत ही प्यारे लग रहे ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको ही पहनने वाली हूँ। मैंने काफी टाइम से इन वाले इयररिंग्स को नहीं पहना है। आपने मेरी एक भी वीडियो में मुझे इन वाले इयररिंग्स को पहने हुए नहीं देखा होगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं पक्का इनको ही पहनूंगी। यू कैन सी गाइस, दोनों ही इयररिंग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एंड गाइस, ये वाले इयररिंग जो ये वाले इयररिंग्स हैं, ये समथिंग 6 to 7 ईयर पुराने हैं, लेकिन गाइस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तो मैंने इन्हें बहुत संभाल के रखा हुआ है। एंड ये वाले भी बहुत प्यारे लगते हैं किसी ड्रेस के साथ, इसकी मैचिंग की जब ड्रेस पहनो फिर इसको पहनो तो ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये दोनों ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे नहीं ध्यान है कि मैंने इन्हें कितने में खरीदा है। एंड मैं आपको दिखाती हूँ अपने नेक्स्ट इयररिंग, ये वाले हैं गाइस। ये भी बहुत ही लाइट वेट हैं और बहुत ही क्यूट से इयररिंग्स हैं, ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन आई थिंक मैंने इन्हें एक भी बार नहीं पहना है अभी तक। और इन्हें मैंने सिर्फ 30 रुपये में ही खरीदा था। जब मैंने ये वाले इयररिंग खरीदे थे तो उनके साथ ही मैंने इन वाले इयररिंग को भी बाय किया था जो मुझे अच्छे लगे, लेकिन शायद मैंने अभी इन्हें एक भी बार नहीं पहना है। यू कैन सी एंड गाइस, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने नेक्स्ट इयररिंग किस तरीके के हैं। यू कैन सी गाइस, ये वाले इयररिंग भी मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे और थे, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये अब टूट चुके हैं। इनके ऊपर ना इस तरीके का स्टोन लगा हुआ था जिससे मैं पहन लेती थी, लेकिन अब इसका स्टोन निकल गया है। एंड अब मैं इन वाले इयररिंग को अलग से वियर करती हूँ और फिर मैंने इसके साथ एक DIY किया। तो मैंने क्या किया, जो ये इयररिंग है इनके नीचे के ये स्टोन निकाल दिए थे एंड इसको उल्टा करके इस तरीके के टॉप में डाल के अब मैं इनको इस तरीके से पहनती हूँ जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप जीन्स पे इस तरीके के इयररिंग पहन सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। एंड गाइस, इस तरीके के इयररिंग आपने देखे होंगे बहुत सी गर्ल्स पहनती भी हैं। गाइस, मैं कुछ भी वेस्ट नहीं जाने देती हूँ, कोई ना कोई DIY करके जुगाड़ लगा के ठीक कर ही लेती हूँ। तो गाइस, इस तरीके के इयररिंग अगर आपके पास हो या फिर आपके कोई भी इयररिंग टूट जाते हैं तो आप प्लीज़ उन्हें फेंका ना करें, कोई ना कोई DIY करके उनको ठीक कर लिया करें एंड आप उन्हें फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने इन वाले इयररिंग को इस तरीके से रीयूज़ किया है। एंड गाइस, इस वाले इयररिंग के टूट जाने में मुझे सच में बहुत बुरा लगा था, लेकिन फिर मैं इन्हें अब दो तरीकों से पहन सकती हूँ। इस तरीके से भी मैं इसे पहन सकती हूँ एंड इस तरीके से भी मैं इसे पहन सकती हूँ। यू कैन सी गाइस, आप देख सकते हैं ये वाले इयररिंग भी बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो गाइस, ये था मेरा छोटा सा इयररिंग कलेक्शन जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जिसे शेयर करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। एंड आई होप गाइस आपको भी अच्छा लगा होगा। गाइस, आपको इन सारे इयररिंग्स में से कौन से वाले इयररिंग सबसे अच्छे लगे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। एंड गाइस, मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगी। एक्चुअली गाइस, कभी कभी होता क्या है कि हम बड़ी बड़ी शॉप, बड़े बड़े मॉल से ही सारी ज्वेलरी जो हमें चाहिए होता है हम खरीद लेते हैं, छोटी छोटी शॉप पे हम नहीं जाते हैं। तो गाइस प्लीज़, आप छोटी शॉप पे भी एक बार जाके देखिए, किसी स्ट्रीट शॉप से शॉपिंग करके देखिए, हो सकता है आपको वही चीज़ वहाँ से आधे दामों में स्ट्रीट शॉप पे मिल जाए। गाइस, मैंने बहुत बार ये बात नोटिस की है, जो इयररिंग हम बड़ी शॉप पे देखते हैं वही इयररिंग सेम आधे दामों में आपको किसी छोटी शॉप पे या स्ट्रीट शॉप पे मिल जाते हैं। तो गाइस प्लीज़ एक बार ट्राई जरूर कीजिए। एंड गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड गाइस, आपको मेरा इंडियन ट्रेडिशनल लुक कैसा लग रहा है ये भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए प्लीज़। एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं मुझे कमेंट कर दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।